हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। और अगर ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे जो बेसिकली हम लाइट से स्टार्ट करते हैं, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारा चैप्टर है दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन। तो हम यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा कवर अप करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे जो आपका लाइट है, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी थिंग्स है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको क्लियरली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। दैट इज लाइट। लाइट बेसिकली क्या कर रही है कि जो भी थिंग्स है उनको विजिबल फॉर्म में ला रही है। अब वो कैसे लाएगी? कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई लाइट पड़ती है तभी वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होता है। दैट इज लाइट। लाइट हमारी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। टू पार्ट्स में आप डिवाइडेड नहीं कर सकते, बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे हमारे टॉर्च, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो हमें विजिबल तब होते हैं। दैट इज बुक, ट्री, मिरर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कुछ प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर बेसिकली आपने देखा होगा, जब आप सुबह सुबह तैयार होते हैं तो ऑब्वियसली सब प्लेन मिरर में ही देखते हैं। तो ये आपका फ्रंट साइड है और ये आपका बैक साइड है मिरर का। तो यहाँ पे जहां पे आपको इमेज फॉर्म होती है, तो यहाँ पे आप खड़े हैं। तो जब आप खड़े होते हैं तो जो इमेज है वो आपकी जो किस किस टाइप की वो बनती है, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, इक्विडिस्टेंस एंड लेटरल इन्वर्जन। वर्चुअल आपकी इमेज वो वाली इमेज होती है जो आपकी मिरर में फॉर्म्ड होती है, दैट इज वर्चुअल इमेज। इरेक्ट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी इमेज फॉर्म्ड होगी वो। सेम साइज मतलब जैसे आप हो, आपकी हाइट, तो वो जितनी भी आपकी हाइट है बिल्कुल सेम साइज वही आपका क्या होगा, मिरर में फॉर्म्ड होगा। इक्विडिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे आप खड़े हो उसी डिस्टेंस पे आपकी जो मिरर की बैक साइड है वहां पे इमेज फॉर्म्ड होगी। लेटरल इन्वर्जन, आपने शायद कभी देखा होगा कि अगर आपने राइट हैंड उठाया है तो मे बी आपको वहां पे ऐसा कुछ महसूस होता है कि जो मिरर में वहां पे उसने कौन सा हाथ उठाया, लेफ्ट हैंड। तो ये आपका था प्लेन मिरर। नेक्स्ट आपका था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है? जब लाइट किसी प्लेन पे पड़ती है और वो वापस आ जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। इसके टू लॉज है। फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जब लाइट किसी प्लेन पे टकराती है। देखो यहाँ पे डायग्राम पे, ये आपका कोई मिरर है, प्लेन मिरर है ये आपका। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो इससे क्या है, टकराई है, दैट इज इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, यहाँ पे टकराने के बाद फिर वो क्या करती है, उसी एंगल से चली जाती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट आपका क्या होता है, एक और चीज, इसके बीच में जो आपका एक नॉर्मल रे होती है ये वाली, और जहां पे ये तीनों रे मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो सेकेंड लॉ ये कहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और आपका एक रिफ्लेक्टेड है, सॉरी यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये सारी जो तीनों चीजें हैं, तीनों रेज हैं, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल पॉइंट जो बना है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, वो आपकी एक सेम प्लेन पे लाई करेंगी। यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट आपका आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वो वाले मिरर्स होते हैं जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं। कर्व्ड मिरर्स में जिनका कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे स्पून है, तो स्पून जो है जैसे जहां से आप खाते हो और बैक साइड उसे आप रिलेट कर सकते हो, वो भी आपका स्फेरिकल मिरर्स की तरह कहा जाता है। जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि हॉलो स्फेयर ऑफ अ ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। तो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, केव की आप उसे पता लगा सकते हैं, केव मीन्स गुफा। तो जहां पे गुफा होगी वहीं आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, उसका इनवर्ड्स जो होगा मतलब अंदर की तरफ होगा, दैट इज कॉनकेव। मैं एक स्पून से रिलेट करती हूँ, जहां से आप खाते हो, ठीक है, जहां से आप खाते हो दैट इज कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका क्या होता है, कर्व्ड। तो वो वाले जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका कहां पे होगा, जहां से आप खाते हो। सपोज ये आपकी स्पून है, सॉरी मेरी ड्रॉइंग ज्यादा अच्छी नहीं है,
ये वाला यहाँ पे कॉनकेव का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करती हूँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका क्या होगा, इधर की तरफ होगा, तो दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये आपके ये टू मिरर्स हैं, ये आपका कॉनकेव है, कॉनकेव एंड ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स। तो ये आपके दो मिरर्स हैं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, रेज अंदर की तरफ आएंगी, और इसका जो कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसकी तरफ है, वो बाहर की तरफ है, स्पून के बाहरी वाला चीज, ठीक है, उसकी तरफ है। यहाँ पे जो रेज है वो यहाँ पे टकराएंगी। तो बेसिकली पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। आप मैंने आपको बताया था कि जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो आपका कैसे होते हैं, हॉलो स्पेयर ऑफ अ ग्लास बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका जो बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना जो पोर्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिरर। तो बेसिकली हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। तो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, पोल। तो पोल आपकी कौन सी हो गई, ये जो मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट हो गया दैट इज पोल। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता ही दिया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पूरे स्पेयर का यहाँ पे सेंटर पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं उसको हम। प्रिंसिपल फोकस वो वाला पॉइंट होता है जहां पे लाइट रेज क्या आती है, मिरर से टकराकर जहां पे इमेज हमारी क्या होती है, मीट करती है, ठीक है, जहां पे मिलती है वो आपका पॉइंट कौन सा होता है, फोकस। अब आता है आपका एपर्चर। एपर्चर क्या होता है आपका, ये जो मिरर है पूरा और इसका जो जितना भी पूरा मिरर का साइज है, तो हमारा जो साइज है क्या है, एम और एम डैश, तो ये क्या हो गया आपका, एपर्चर। यहाँ पे बेसिकली जो सी और पी, पी सी और पी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये पूरा क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या होता है, जहां पे हमारी जो पोल से हमारी जो लाइन निकलती है वहां पे कर्वेचर भी होता है, प्रिंसिपल फोकस भी होता है, ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यहाँ पे कुछ रेज देख लेते हैं, बेसिकली काम कैसे करता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में ये आप देखो, कोई भी इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, अब ये जो रे आई है, सॉरी मैंने एरो यहां लगाना था, और जो रे आई है वो यहाँ पे क्या हो गई है, टकरा गई है मिरर पे। तो वो कहाँ पे मीट होगी, मैंने आपको क्या बताया था कि वो फोकस पे मीट होती है, जो भी मिरर पे कोई भी रे टकराएगी सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फोकस पे क्या हो गई, ये मीट हो गई रिफ्लेक्ट होकर। सेम ऐसी अगर मैं यहां से रे करती हूं तो ये मीट कहाँ पे होगी, ये फोकस पर हो जाएगी, यहां से रे आई मिरर पे टकराई और वो फोकस पे जाकर मिल गई। यही सेम काम अब हम कॉन्वेक्स में कर देखते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ होता है, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, ये पॉलिश जो एरिया होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बेसिकली जो इसकी फोकस है और जो कर्वेचर है वो क्या होता है, मिरर के पीछे बनती है इमेज हमेशा। कॉनकेव में कहाँ पे बनती है इमेज, हमेशा जो मिरर होता है उसके फ्रंट साइड पे। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो मिरर होता है उसके बैक साइड पे हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी कोई इमेज आई, इन्फिनिटी से हमारी कोई इमेज आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जा रही है, वो फोकस पे बनेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गई, वो ऐसे चली गई, लेकिन वो कहाँ पे मिली, हमारी फोकस पे, ठीक है, बैक साइड पे हमारी कहाँ पे मिली, वो फोकस पर। सेम ऐसे यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई रे आई, उसने वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, बैक साइड पे इमेज बनेगी, लेकिन जो होगी वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की साइड, ठीक है। ये कुछ हमारे रूल्स हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के, जो हमारे रे डायग्राम्स में यूज होंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, अगर जो हमारा रे है वो पैलर है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा किसके पास होगी, फोकस से। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई हमारी रे है वो हमारी यहाँ पे पैलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किससे पास करेगी, फोकस पे। अब हमारा जो कॉन्वेक्स का रूल है सेम वही रूल रहेगा, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो कहाँ पे होता है आपका, इधर की साइड, ठीक है, और पॉलिश एरिया अंदर की साइड होता है। तो कोई भी जो रे है वो अगर प्रिंसिपल फोकस के क्या होगी, पैलर होगी, प्रिंसिपल फोकस इसका ये है, ये रे होगा, ये पैलर होगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो इधर चली जाएगी, लेकिन वो मीट कहाँ पे होगी, बैक साइड ऑफ द मिरर, दैट इज फोकस। नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है, रूल टू, अगर कोई रे पास हो रही है फोकस से, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से चली जाएगी।
तो यहाँ पे क्या है, अब कोई एक रे आई, वो प्रिंसिपल फोकस पे क्या प्रिंसिपल फोकस से गई और मिरर से हमारी क्या हो गई, टकरा गई। जब वो मिरर से टकराई तो वो क्या हो गई, वो पैलर हो गई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे सेम वही रूल है कॉनकेव कॉन्विक्स में भी, ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई आपकी जो है वो रे आई, यहां से रे आई, ठीक है, तो वो पैलर किसके चली जाएगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर हो जाएगी। और ये कहाँ पे मिलेगी, ये बैक साइड पे, यहाँ पे फोकस प्लेस का जो आपका इमेज था वो मिंट हो रहा था, और पैलर पे यहाँ पे ये चली जाएगी। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, अगर कोई रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो उसी पाथ से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पर क्या आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो कोई रे आई और मिरर से क्या हो गई, टकरा गई। जब वो मिरर से टकराई, ऐसे इंसिडेंट रे आई थी, उसी से ही वो क्या करेगी, मिरर से टकराने के बाद चली जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमारा कॉन्वेक्स में देख लेते हैं, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रे आई, ठीक है, और यहीं से क्या हुआ, वापस चली गई। लेकिन हमें ये जो इमेज है वो हमेशा बैक साइड पे मिलती है, तो इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन में क्या करते हैं, शो करते हैं। रूल फोर हमारा क्या बोलता है, अगर कोई रे इंसिडेंट है पोल पर, अब क्या हुआ, कोई लाइट अगर हमारी पोल पे आई, इंसिडेंट हुई, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। कहां पे, मिरर पे टकराने के बाद, जब वो पोल पे आएगी तो वो मिरर पे टकराने के बाद कहां पे, उसी एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से चली जाएगी, मतलब सेम एंगल बना लेगी और फिर यहां से चली जाएगी। इसका मतलब है जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या हो जाएगा, इक्वल। सेम आपका फंडा यही है, यहाँ पे क्या होता है, इधर से इमेज आई कॉन्वेक्स में और वो क्या होगा, सेम एंगल बना के क्या हो जाएगी, यहां से चली जाएगी। ये आपका क्या है, एंगल आई, ये आपका क्या है, एंगल आर। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसका जो पॉलिश एरिया होता है वो इधर होता है कॉनकेव का, और इसका जो पॉलिश एरिया होता है वो इधर की तरफ होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।